गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर इन 8th क्लास इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर लेसन चल रहा है अपना 7। ए विजिट टू कैम्ब्रिज यानी कैम्ब्रिज का भ्रमण या कैम्ब्रिज की यात्रा, इसके बारे में पाठ को आगे पढ़ते हैं। आगे देखो, आई हैव नॉट बीन ब्रेव यानी मैं बहादुर नहीं हूँ। आई हैव नॉट बीन ब्रेव मैं बहादुर नहीं हूँ। सेड हिज डिसेम्बोडीज कंप्यूटर वॉइस दैट नेक्स्ट आफ्टरनून आई हैव हैड नो चॉइस, यानी मैं बहादुर नहीं हूँ। अगली दोपहर के समय वह कंप्यूटर वॉइस से कहा, यानी मैं बहादुर नहीं हूँ। अगली दोपहर के समय उसने या वह कंप्यूटर से दूर हट गया, अलग हो गया। आई हैव हैड नो चॉइस मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरी कोई इच्छा नहीं थी। श्योरली यानी निश्चित रूप से ही आई वॉन्टेड टू से मैं कहना चाहता था। लिविंग क्रिएटिवली विद द रियलिटी ऑफ हिज डिस्टिंगरिंगली बॉडी वॉज ए चॉइस, यानी मैं कहना चाहता था कि शरीर की वास्तविकता के साथ रचनात्मकता के रूप में जीना छल है। वाज ए चॉइस, जो उसकी इच्छा थी। बट आई केप्ट क्वाइट लेकिन मैं बिल्कुल चुप रहा, शांत रहा। बिकॉज आई फेल्ट गिल्टी एवरी टाइम, क्योंकि हर बार मैं दोषी महसूस करता था। आई स्पोक टू हिम मैंने उसे बताया। फोर्सिंग हिम टू रेस्पोंड जवाब देने के लिए उसे बाध्य किया। देर ही वाज टेपिंग एट द लिटिल स्विच इन हिज हैंड्स, वहाँ पर वह अपने हाथों में एक स्विच पर टेप कर रहा था। ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर वह शब्दों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। With the only bit of moment left to him, यानी अपनी उस छोटी सी हलचल से वह कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था। His long pale fingers, उसकी लंबी तथा पीली सी जो अंगुलियाँ थी, every so often वह प्रायः His eyes would shut in frustrated expression, यानी उसकी आँखें जो निराशा भरी थकावट से बंद हो जाती थी, and sitting opposite him, और उसके विपरीत या उसके सामने बैठकर I could feel his anguish, मैं उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। यानी उसके सामने बैठकर मैं उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता था, उसके दुखों को महसूस कर सकता था। The mind buoyant with thoughts, विचारों के साथ साथ उसके दिमाग में भी और कई विचार आए। That came out In frozen
दैट केम आउट इन फ्रोजन फ्रेजेस, उसके जमे हुए वाक्यांशों में, जो जमे हुए वाक्यांश एंड सेंटेंस और वाक्य स्टिफ एज कॉर्पसेज, यानी जमे हुए वाक्यांश और वाक्य उसके लिए कठोर वाक्य बन गए, उसके लिए कठोर स्टिफ यानी कठोर वाक्य बन गए। ए लॉट ऑफ पीपल सीम्स टू थिंक, अधिकांश लोग महसूस करते हैं, ऐसा सोचने के लिए महसूस करते हैं, दैट डिसेबल्ड पीपल आर क्रोनिकली अनहैप्पी, कि ये जो विकलांग लोग होते हैं वे बहुत ही बेहद दुखी होते हैं। कुछ लोग महसूस करते हैं कि ये विकलांग लोग बहुत ही दुखी होते हैं। आई सेड, मैंने कहा, आई नो, मैं जानता हूँ, दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, जो मैं खुद दैट इज़ नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं खुद में जानता हूँ कि ये बात सत्य नहीं है। आर यू ओफन लाफिंग इनसाइड, क्या आप अंदर की तरफ प्रायः हंस रहे हैं, क्या आप अंदर की तरफ प्रायः हंस रहे हैं। आगे कल पढ़ाएंगे।